नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। लगता है पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने के मूड में नहीं है। पिछले दिनों की घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं। विवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, कुलभूषण जाधव का मामला हो या कृष्णा घाटी में जवानों के सिर काटे जाने का मामला हो, ऐसा नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल जो है सबसे खराब दौर में है? निश्चित तौर पर हम वहीं पहुंच गए हैं जहां से पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की हमने शुरुआत की थी, और लगातार जब 10 साल की यूपीए की सरकार रही थी तब ये हमले बहुत तेज होते रहे कि पाकिस्तान से रिश्ते खराब हैं, और लगातार सुधारने की कोशिशें होती रही। और जो हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते हैं उसकी पृष्ठभूमि में करगिल युद्ध भी है और वाजपेयी जी की लाहौर बस यात्रा भी है, और इन सभी के मद्देनजर हमने जब सोचा कि रिश्ते कुछ पटरी पर आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी, उनको बुलाया था अपने शपथ विधि में, उसके बाद वो खुद भी वहां गए, तो लगा था कि कुछ सुधरेंगे क्योंकि प्रतीकों के स्तर पर एक ऐसा लग रहा था ठीक तरह की कूटनीति चल रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है बेहद खराब है। सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही है आतंकवादी हमलों की वजह से, और हमारे सैनिकों के साथ जो सेना के कैंप पर हमला किया गया था उसके जवाब में पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमने उनकी चौकियां ध्वस्त की, अब वो लगातार वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कुल मिला के स्थिति सामान्य नहीं है। कुलभूषण के मामले में भी पाकिस्तान लगातार चालें चल रहा है, उसने कहां गिरफ्तार किया ये बताने को तैयार नहीं। जब उन्हीं के पुराने ऐसे एजेंट ने कह दिया कि उसको ईरान में गिरफ्तार किया गया, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में किरकिरी होने के बावजूद भी पाकिस्तान कहता है कि हम अपना ही कानून मानेंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं बुरे दौर में हैं, और आने वाला भारत पाकिस्तान का जो मैच है निश्चित ही वो भी अभी दांव पर लगा हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि नवाज शरीफ वहां पर नाम के प्रधानमंत्री हैं, असली कमान जो है सेना के हाथ में है? महत्वपूर्ण सवाल यही है दरअसल कि जब हम पाकिस्तान से खराब रिश्ते की बात करते हैं या अच्छे रिश्तों की बात करते हैं या पाकिस्तान से बात करते हैं तो हम किस पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान दरअसल नाम के लिए एक मुल्क है, उसमें एक मुल्क के भीतर ही कई तरह की सल्तनतें, कई तरह की सरकारें चलती है, और सभी तरह की सरकारें समानांतर चलती है और उनका अपना अपना वजूद है। पाकिस्तान की सेना की अलग सरकार है, पाकिस्तान की जो राजनीतिक सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है उसका तो बल्कि वजूद बहुत सिमटा हुआ और बहुत छोटा है। इसके अलावा ISI की अपनी एक सरकार है, इसके अलावा आतंकवादी हाफिज सईद वहां पर इस तरह से कैसे फिर खुलेआम घूम पाता, नहीं तो आतंकवादी संगठनों की भी अपनी अपनी समानांतर सरकारें हैं। उसी पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम जैसे इतने बड़े गुंडे, इतने बड़े डॉन, इतने बड़े सरगना को पनाह मिलती है। उसी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन पाया जाता है, उसकी ठीक नाक के नीचे एबटाबाद में, जिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम अमेरिका के साथ हैं, वो अमेरिका जो पाकिस्तान का सरपरस्त है, वो अमेरिका जो पाकिस्तान को इतनी लगातार इमदाद पहुंचाता है, मदद पहुंचाता है, उस अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर एक 10 साल बाद अगर कहीं मिला तो वो पाकिस्तान में मिला, पाकिस्तान की नाक के नीचे मिला। वो इसलिए है कि पाकिस्तान में कई सारे मुल्क एक साथ चल रहे हैं और इन मुल्कों की अपनी सरकारें हैं। आप अगर राजनीतिक सरकार से बात करते हैं और सोचते हैं कि रिश्ते अच्छे हैं तो सेना को यह नगवार गुजरता है, सेना अपनी हरकतों पर उतर आती है, कभी सेना ठंडी पड़ती है तो ISI अपनी हरकतें करने लगती है, कभी सेना, ISI और राजनीति वाली जो सरकार है वो मिलकर सोचते हैं कि नहीं कुछ समय रिश्ते ठीक रखने चाहिए तो आतंकवादी सिर उठा लेते हैं क्योंकि आतंकवादियों की दुकान बंद हो जाती है, आतंकवादियों को अपनी दुकान चलाने के लगातार आतंकवादी हरकतें, तो वो मजबूर कर देते हैं सेना को और वहां की सरकार को कि वो इस तरह की हरकतें करें। दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि पाकिस्तान जब तक एक मुल्क के रूप में लोकतांत्रिक शक्ति नहीं बनता, उसकी आंतरिक सुरक्षा, उसके अंतर जो अंतर विरोध है वो खत्म नहीं होते, तब तक हम कभी भी पाकिस्तान को लेकर निश्चिंत नहीं हो सकते। यदि क्या अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद में कटौती की है, दूसरी ओर देखें तो रूस का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, इसका क्या असर होगा? ये एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरण नए बन रहे हैं और हमें निश्चित ही देखना होगा। ट्रंप जो आए हैं अभी अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर, वो थोड़े दक्षिणपंथी माने जाते हैं, उन्होंने दो टूक बातें कही हैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर, जिस तरह का वो विचार रखते हैं उसमें उन्होंने बहुत साफगोई बरती है, और उन्होंने पाकिस्तान से भी कहा आतंकवादी हरकतें बंद करने को और उसकी मदद भी रोकी है, लेकिन ऐसी मदद पहली बार नहीं रोकी गई है, पूर्व में भी मदद रोकी गई है। दूसरा, रूस बीच में कई बार लगातार पाकिस्तान के लिए मदद का हाथ बढ़ाता रहा क्योंकि चीन की जितनी बड़ी दोस्ती पाकिस्तान के साथ हुई है निश्चित ही रूस ये सोचता है कि उसको अपनी घुसपैठ वहां पर उस इलाके में बनाना चाहिए। तीसरा, कहीं ना कहीं जब भारत की दोस्ती रूस से कम होकर अमेरिका से बढ़ती हुई दिखाई देती है तो भी रूस को चिंता होती है कि वो पाकिस्तान के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पाकिस्तान में भी अपने पैर जमाए, और उन्होंने सैनिक युद्धाभ्यास भी इसी दिशा में जो किया था एक बड़ी कार्रवाई थी वो। तो ये एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण है जिसमें कई पेंच हैं और
कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतियों का यह परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। इसमें एक बात पक्की है कि भारत और रूस पुराने दोस्त हैं। भारत और रूस की जो दोस्ती है वो बहुत प्राचीन भी है और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो परिदृश्य उभर रहा है उसमें जरूरत भी है। तो रूस इस बात को समझते हुए ही पाकिस्तान के साथ जितने भी संबंध बढ़ाएगा वो भारत के साथ अपने संबंधों के इतिहास को और भविष्य पर पड़ने वाले परिणामों को निश्चित ही ध्यान रखेगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के बंकर भी उड़ाए, इन घटनाओं के क्या नफा नुकसान है? देखिए, ये सब ऐसी घटनाएं जिनसे कोई बहुत बड़ा निर्णायक कदम उठ जाएगा, पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में समझदार हो जाएगा, या भारत की पाकिस्तान पर फतह हो जाएगी, या भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मिल जाएगा, ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन ये सब एक निर्णायक दिशा की ओर बढ़ते हुए कदम जरूर है। ये छोटे छोटे कदम है, ये कदम इसलिए भी जरूरी है कि वरना चीजें ठहर जाएंगी या बुरी हो जाएंगी। चीजें अगर हमको बेहतर करनी है, पाकिस्तान को ये सबक सिखाना है कि भाई आप इस तरह की हरकतें करोगे तो जवाब देना हमें भी आता है। हमें दरअसल ये सारी चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर करना है कि वो एक अच्छे पड़ोसी के नाते, हमने स्वीकार कर लिया है कि 1947 के बाद से हमारी जमीन का एक टुकड़ा एक अलग मुल्क के रूप में यहां पर इस धरती पर बन चुका है, वो पाकिस्तान है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश है और हम उसकी स्वाधीनता को लेकर, उसकी स्वतंत्रता को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहते। वो अच्छे से जिए, तरक्की करे, खुशहाली लाए, बल्कि वहां पर जिस तरह का दोजक उन्होंने बना रखा है, जिस तरह की नर्क की जिंदगी पाक अधिकृत कश्मीर में लोग जीने को, उसके वीडियो आ रहे हैं, गिलगिस्तान में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। उनको हल करने की बजाय पाकिस्तान सारी दुनिया का ध्यान बटाने के लिए और पैसे बटोरने के लिए भारत के साथ इस तरह की हरकतें करता है। तो ये जो कदम आप कह रहे हैं बंकर उड़ाए, ये पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए है कि अब वक्त आ चुका है कि जब वो एक मुल्क के रूप में थोड़ी परिपक्वता दिखाए। अपने अंदर अगर कहीं दिक्कतें हैं, उनकी सेना में, आईएसआई में, आतंकवादी गुटों में, सब में जो अंतर विरोध है, उनमें तालमेल नहीं है, तो ये उसकी अपनी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर कर ले, नहीं तो उसको अंदर भी मार झेलनी पड़ेगी और बाहर से भी मार झेलनी पड़ेगी। यदि भी ये घटनाएं कहीं भावी युद्ध की आहट तो नहीं है? ये एक बड़ी चिंता है, चुनौती भी है। देखिए, युद्ध निश्चित तौर पर किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। युद्ध अपने आप में एक बड़ा मसला है, युद्ध खुद एक समस्या है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब हमने देखा कि कुछ तरीका नहीं है दुश्मन को समझाने का, करगिल जो युद्ध हुआ वो हम पर थोपा गया, आपने घुसपैठ की, आपने हमारी चौकियों पर कब्जा किया, दबे पांव उनके सैनिक आतंकवादियों के रूप में आए और हमें करगिल का युद्ध करना पड़ा। इसके पहले भी अगर मान लीजिए 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ तो हमको चीन ने आक्रमण किया, हमारी जमीन कब्जाने की कोशिश की, तो हमें युद्ध करना पड़ा। आज वो जब तक हमारी अगर चौकियां पार करके आने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी, हमारे यहाँ सरहदों पर उन्होंने हमले किए हैं, सरहदों पर लोगों को उन्होंने मारा है, गांव के गांव हमें खाली कराने पड़ गए, तो इन हरकतों के जवाब में भारत की सेना को भी जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये नौबत युद्ध तक पहुंच जाती है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बुरा होगा, क्योंकि बड़ी बात यह है कि दोनों ही मुल्क जो है परमाणु शक्ति संपन्न है और अभी दुनिया की जो स्थिति है उसमें युद्ध कोई भी होता है वो दो देशों के बीच सीमित नहीं रहता, उसमें दुनिया के दूसरे जो उनके मित्र देश है वो शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा युद्ध निश्चित ही कोई नहीं चाहेगा। बिना युद्ध के अगर पाकिस्तान मान जाता है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भारत पाक रिश्तों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।